भगवान राम की नगरी में गर्मी का प्रकोप सब आप पर है। सूर्य भगवान आसमान से आग बरसा रहे हैं। ऐसे में राम नगरी आने वाले श्रद्धालु और आम जनमानस को गर्मी से निजात दिलाने के प्रबंधन भी किए जा रहे हैं। कहीं छाजन की व्यवस्था है तो कहीं प्याऊं और ORS की व्यवस्था जिला प्रशासन स्थानीय स्तर पर समाजसेवी संगठन के साथ मिलकर कर रहा है। राम जन्मभूमि दर्शन मार्ग पर श्रद्धालुओं के बैठने के लिए यात्री सुविधा केंद्र बनाया गया है, जहाँ राम भक्तों के लिए 500 कुर्सियों का एक विश्राम स्थल यात्री सुविधा केंद्र में बनाया गया है, जिसमें राम भक्तों को गर्मी से निजात के लिए बड़े बड़े विशालकाय पंखे और कूलर के साथ मेडिकल की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है, ताकि गर्मी में होने वाले संक्रामक रोगों से यदि कोई श्रद्धालु या आमजन पीड़ित होता है तो उसे तत्काल समुचित इलाज मौके पर ही दिया जा सके। रामलला के दर्शन मार्ग पर अस्थाई बहुत चरम सीमा पर है। टेम्परेचर अपने अधिकतम उठान पर है, 50 के लगभग टेम्परेचर पहुंच रहा है। यहाँ भी 44-45 हो रहा है। सूरज तप रहा है, जिस कारण जमीन भी तप रही है। और ट्रस्ट ने यात्री सहायता सुविधा केंद्र बनाया है यहाँ पर, कि 500 चेयरें लगी हुई हैं, बड़े बड़े कूलर लगे हुए हैं, गर्मी से बचने के लिए यात्रियों को वहाँ बैठने की व्यवस्था कर रखी गई है, ठंडे पानी की मशीनें लगी हुई हैं और ORS का घोल उनको दिया जा रहा है, जिससे कि गर्मी का असर उनके शरीर पर प्रभाव ना पड़े। साइन दे रखी हैं, मंदिर कैंपस में भी वाटर कूलर लगे हुए हैं, पीने के पानी की सुविधा उपलब्ध है, जितनी छाया हम कर सकते हैं उतनी छाया की गई है। ट्रस्ट जो भी सुविधा हो सकता है दे रहा है। यहाँ पे इस कड़ी धूप में जितने भी दर्शनार्थी आ रहे हैं उनके लिए पूरी संभावित जितनी भी सुविधाएं हो सकती हैं इस हॉस्पिटल के द्वारा प्रोवाइड कराई गई हैं, और ट्रस्ट की तरफ से और हमारे हॉस्पिटल के सहयोग से भरपूर सहयोग दिया जा रहा है यात्रियों को चिकित्सा व्यवस्था में। इनके लिए पानी की व्यवस्था, इलेक्ट्रॉल की व्यवस्था, और इसके साथ साथ जितने भी पेशेंट, अगर उनको फीवर है, जनरल पेशेंट जितने भी हैं उसके लिए ट्रीटमेंट, प्लस इमरजेंसी ट्रीटमेंट के लिए भी यहाँ व्यवस्था की गई है। यहाँ पे 3 IPD बेड हमारे पास लगे हुए हैं इमरजेंसी केयर में, ऑक्सीजन की व्यवस्था है, और इमरजेंसी में जितनी भी हम लोग सुविधाएँ दे सकते हैं वो यहाँ पर्याप्त है। ORS का यहाँ पे पैकेट उनको दिया जा रहा है। बहुत अच्छी व्यवस्था है। मैं मथुरा से आया हुआ हूँ और गर्मी की यहाँ उतना नहीं है, जितने उमंग और अपने आदमी में ये रहता दर्शन करने का, उसके आगे गर्मी पहाड़ जाती है और श्रद्धा जीत जाती है। तो पानी वानी के पीने की व्यवस्था यहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा है, कर्मचारी बहुत अच्छे हैं, पुलिस व्यवस्था बहुत अच्छी है, बुजुर्गों का बहुत ध्यान रखती है, सफाई बहुत अच्छी है, और ठाकुर जी के दर्शन करके आनंद आ गया।